तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन यानी कि मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में बनने वाली 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू किया जा चुका है, जहां पर रिसेंटली हमने अपडेट दिया था कि L&T के द्वारा एक लॉन्चिंग इक्विपमेंट स्टेडल कैरियर एंड ग्रेडेड ट्रांसपोर्टेशन मशीन बनाकर के तैयार करी गई थी। इस मशीन को फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथोडोलॉजी के टेक्निक पर तैयार किया गया था, जो दुनिया की फास्टर बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है। और खास बात यह है कि इसको पूर्ण स्वदेशीकरण तरीके से भारत में तैयार किया गया था, और अब इसी मशीन का इस्तेमाल बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में शुरू किया गया है, जहां पर आज गुजरात के नवसारी जिले में कास्टिंग यार्ड लगभग 40 मीटर लंबा पहला फुल स्पैन प्री स्ट्रेट कंक्रीट बॉक्स गार्डर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी गार्डर तैयार किए जा रहे हैं, उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी NHRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। 40 मीटर लंबे इस फुल बैक्स गार्डर का वजन लगभग 970 मैट्रिक टन है, जिसको 42 मैट्रिक टन स्टील से बना करके तैयार किया गया है। अभी इसके सिर्फ एक हिस्से को बनाया गया है, बहुत जल्द इसके कई और पार्ट्स तैयार किए जाएंगे जो पूरी बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर P11, P12 के बीच में इस गार्ड को रखा जाएगा, और जिसकी जमीन से ऊंचाई लगभग 13.4 मीटर है। और अब आप लोगों को लगेगा कि इतने बड़े बड़े इतनी लेंथ वाले इन गार्डर्स को क्यों तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बुलेट ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा हाई होगी, इसलिए उसमें जॉइंट कम से कम देने हैं ताकि वाइब्रेशंस को इजीली हैंडल किया जा सके। इसके साथ में कुछ टर्न्स के लिए 30, 35, 40 मीटर के कुछ गार्डर्स को स्पेशली डिजाइन किया जा रहा है, और कुछ 23 मीटर के भी हैं जो सिर्फ टर्न्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इन्हीं कास्टिंग यार्ड को पूरा करने के लिए 16 से 93 एकड़ की भूमि में इनको असेंबल किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको बनाने के लिए बहुत एडवांस हाइड्रोलिक मशीन, स्टील प्री फैब्रिक मॉडल्स, कास्टिंग बेड, बैचिंग प्लांट, एग्रीगेंट, स्केटिंग एरिया, सीमेंट साइलो और लेबर कैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। दोस्तों, ये है बुलेट ट्रेन के काम से जुड़ा हुआ एक छोटा सा अपडेट। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।